देखेंगे कि कॉन्जुगेट बेसिस क्या होते हैं ठीक है थीके? तो उसमें हम देखते हैं कि लॉरी ब्रॉन्सेट एसिड एंड बेसिस कंसेप्ट हमने स्टडी किया था हम लॉरी ब्रॉन्सेट एसिड एंड बेसिस कंसेप्ट की बात कर लेते हैं ठीक है एसिड्स और बेसिस ठीक है अब इस कॉन्सेप्ट के तहत हम जो है वो एक इक्वेशन लिख लेते हैं हम बेसिस की फॉर्म में लिखते हैं कि हमारे पास क्या था हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं हम कि ये हमारे पास कुछ सब्सटेंस था केमिकल कंपाउंड था एक्वस फॉर्म में था यानी कि वाटर में हमने डाला तो इसकी जो है वो आयनाइजेशन हो गई ठीक है हम इसकी आयनाइजेशन को शो करते हैं कि ये इसकी आयनाइजेशन हो रही है ठीक है क्या चीज बन गई हमारे पास हमारे पास जो है वो हाइड्रोनियम आयन आ गया ठीक है हम रिकॉल कर रहे हैं कि हमने पढ़ा था कि क्या होता है हमारे पास जो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे वो जो है वो इस पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन पे जो पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव के दो पोल्स बने हुए इस केमिकल कंपाउंड में तो उसमें से जो हाइड्रोजन होता है जिसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है उसपे जो है लोन पेयर ऑक्सीजन का वो अटैक करता है ठीक है और क्या होता है हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बन जाता है ठीक है जो कि एक्वस फॉर्म में होता है और एक ए नाइन भी आ जाता है यानी कि जब ये हाइड्रोजन जो है वो इसको छोड़ देगा इस आ, ए जो हमारे पास एक सपोज्ड एलिमेंट है ठीक है जो केमिकल कंपाउंड बना रहा है तो ये जब इसको हाइड्रोजन इसको प्रोटोन की सूरत में छोड़ के चला जाएगा यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के चला जाएगा किसके पास वाटर के पास तो हम देखते हैं कि हाइड्रोनियम आइन बन गया और क्या बना एक नेगेटिवली चार्ज आइन जो ए नेगेटिव है ये है, ए नाइन है ठीक है इसको ये एक्विज फॉर्म में आ गया हमारे पास ठीक है इसमें हम क्या देख रहे हैं इसमें हम देखते हैं कि जब हम कंसेप्ट अप्लाई करें या एनालिसिस करें इसका तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड था एच ए ये प्रोटोन लूज कर रहा है तो प्रोटोन लूज करने की वजह से ये क्या हुआ लॉरी ब्रॉन्सिड एसिड कहलाया ठीक है इसको हम कहेंगे लॉरी ब्रॉन्सड एसिड और दूसरा हमारे पास है वाटर वाटर ने जो है वो इस प्रोटोन को सॉरी इस प्रोटोन को गेन कर लिया है या एक्सेप्ट कर लिया है तो ये क्या कहलाएगा ये बेस कहलाएगी ठीक है यानी कि Uh, हमारे पास एसिड वो आया जिसने जो है वो प्रोटोन लूज कर दिया या डोनेट कर दिया और बेस वो आ गई लॉरीप्रॉनिड बेस वो आ गई जिसने प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लिया अब हम देखते हैं कि इक्वेशन तो रिवर्सेबल है ठीक है यानी कि फॉरवर्ड भी जाएगी नेगेटिव और जो है वो रिवर्स भी जाएगी ठीक है इसमें हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे दो स्पीशीज बन गई है अब वॉटर ने जब प्रोटोन एक्सेप्ट किया है तो हमारे पास एक स्पीशी आई है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आइन या इसको कहते हैं हाइड्रेटेड प्रोटोन ठीक है ये हमारे पास जो है वो आगे और एक चीज हमारे पास आई है जो हम कह रहे हैं ए नेगेटिव यानी ने हम सपोज किया है कि ए हमारे पास जो है वो कोई एलिमेंट है तो उसका जो है वो नेगेटिव चार्ज आ यहां से ही जो है डिराइव होकर आई है ए नेगेटिव का यानी कि ए का ए नाइन ठीक है अभी जो ए नाइन है हम देख रहे हैं कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो ये आ, हाइड्रोनियम आयन से प्रोटॉन ले लेगा किस वजह से हम ये देखते हैं कि अगर हम साइड पे जो है वो बना लेते हैं इस हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर इस हाइड्रोनियम आयन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होगा ऑक्सीजन बीच में ठीक है एक तरफ एक हाइड्रोजन है एक एक और हाइड्रोजन है फिर इसके क्या आ गए इसके जो है वो लोन पेयर्स आ गए यहाँ पे ठीक है और एक लोन पेयर्स के साथ क्या किया हुआ ये जो अटैक कर रहा है तो इसके साथ इसने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया ठीक है और ये ओवरऑल इस पर क्या चार्ज आ गया पॉजिटिव अब ये पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आया है क्योंकि ऑक्सीजन की तो ये कैपेसिटी होती है कि वो तीन सॉरी दो बॉन्ड्स बना सकता है और यहाँ इसने तीन बॉन्ड्स बना लिए जिसकी वजह से यानी कि एक बॉन्ड इसने एक्स्ट्रा बनाया हुआ है जिसकी वजह से इस इसपे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया ठीक है ओवरऑल जो है वो हम देखते हैं कि ये हमारे पास बन गया है हाइड्रोनियम आइन ठीक है हाइड्रोनियम आइन और ये हाइड्रोनियम आयन जो है इसके अंदर देख रहे हैं कि हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ठीक है अब हम ये देखते हैं कि इस हाइड्रोनियम आयन की कैपेसिटी है कैपेबिलिटी है कि ये जो है वो अपना जो है वो प्रोटॉन लूज कर सकती है वापस यानी कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन जाएगा तो ये प्रोटॉन जो है वो लूज हो सकता है ठीक है तो हम देखते हैं कि ये प्रोटॉन लूज कर सकता है यानी कि प्रोटोन डोनर हुआ फिर पोटेंशियली ये क्या हुआ प्रोटोन डोनर तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये भी एसिड हुआ ठीक है इसको भी हम एसिड कह सकते हैं और वो प्रोटोन ले कौन सकता है वो प्रोटोन जो है ये ए नेगेटिव या ए, ए नाइन जो है वही ले सकता है तो इसका मतलब हुआ कि पोटेंशली तो ये भी फिर बेस हुई ठीक है ये भी बेस हुई है हमारे पास अब ये एसिड जो है क्योंकि वो बना किससे है वो इस बेस से बना है तो ये क्या कहलाएगा एसिड ऑफ वाटर कहलाएगा यानी बेस का जो है वो एसिड है और ये जो बेस बनी है ये किससे बनी है ये जो है वो आ, हमारे पास जो केमिकल कंपाउंड था जो सपोज्ड केमिकल कंपाउंड था ठीक है जो हमने कहा डिक्लेयर किया था कि ये एसिड है तो अब ये जो है वो उससे बना है तो हम कहते हैं कि ये किस क्या है ऑफ ये जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड आ गया उसका है ठीक है एक चीज जो हम यहाँ देखते हैं कि क्योंकि ये जो एसिड हमारे पास बना है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो ये जो है वो पॉसिबल होगा कि ये एसिड के तौर पे एक्ट करे और ये, जो ए नेगेटिव है वो भी बेस के तौर पे एक्ट उसी वक्त करेगी जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो इन दोनों को जो है वो हम सेपरेट करने के लिए इन एसिड और बेसिस से इनको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट एसिड एंड बेसिस ठीक है कॉन्जुगेट एसिड एंड बेसिस हम कॉन्जुगेट को सही करके लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या चीज बनी है कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेसिस और यहां पर भी हम लिख देते हैं कि इसके साथ कॉन्जुगेट का वर्ड आएगा ठीक है ये टर्म्स होती हैं कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेसिस ठीक है और यहां हम बात करें कॉन्जुगेट बेस की तो हम देखते हैं कॉन्जुगेट बेस ये हमारे पास है कॉन्जुगेट बेस इसकी इसकी हम बात करेंगे इसकी बात करते हैं कि ये कॉन्जुगेट बेस है किसकी हमारे पास ये जो मौजूद है तो अब हम इसकी जो है अगर एक एग्जाम्पल ले लें हम इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है ठीक है हम लेते हैं यहां पे एच यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है हमारे पास और क्या हुआ इसका वाटर से इंटरेक्शन हुआ और वाटर में इसकी, इसकी क्या हो गई आयनाइजेशन हो ठीक है ये इसकी आयनाइजेशन हो गई आयनाइजेशन के नतीजे में क्या चीज बन गई है आयनाइजेशन के नतीजे में हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बना ठीक है एक्वस फॉर्म में और क्या चीज बन गई और हमारे पास बन गया क्लोराइड का आयन नेगेटिव आयन वो भी एक्वस फॉर्म में ठीक है ये हमारे पास आ गया अब इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है एसिड है क्योंकि अपना प्रोटोन किसको लूज कर रही है वाटर को ठीक है तो वाटर को प्रोटॉन लूज कर रही है अपना प्रोटॉन डोनेट कर रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटॉन डोनेट कर रही है किसको वाटर को तो हम देखते हैं कि वाटर और एक्सेप्ट करिए तो वो जो है वो बेस हुई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हुआ, ठीक है, अब क्या होगा, कि जो हाइड्रोनियम आयन बना है, वो हमारे पास किस नतीजे में बना है कि जो वाटर था उसने जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट किया या कह सकते हैं कि बेस ने जब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो एक हमारे पास स्पेशी बनी एक सबस्टेंस बना ठीक है एक केमिकल कंपाउंड बना या एक केमिकल स्पीशी ऐसी बनी जो क्या है जो प्रोटोन इसके पास एक प्रोटोन आ गया है या प्रोटोन हासिल करने के नतीजे में बनी है और ये अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो प्रोटोन लूज कर सकती है तो इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड और जिससे बनी है उसका नाम साथ आएगा कि ऑफ बेस ठीक है और यहाँ बेस जो है वो हम उसका नाम मेंशन कर देते हैं कि ऑफ वाटर ठीक है ये इसका जो है वो नेम आ गया ठीक है acid, ये कॉन्जुगेट बेस होते एसिड है ठीक है सॉरी ये एसिड होता है कॉन्जुगेट एसिड और क्लोराइड आइन को देखें तो ये जो है वो मजीद इसके पास इसके पास जो है वो एक नेगेटिव चार्ज है और ये जो है वो अगर कोई पॉजिटिव आइन का इसको पॉजिटिव आइन मिले तो ये उसको एक्सेप्ट कर सकता है खुशी खुशी तो हम देखते हैं कि जब कॉन्जुगेट एसिड जो है रिवर्सिबल रिएक्शन होने की सूरत में अपना प्रोटोन लूज करेगा तो वो किसको लूज करेगा वो क्लोराइड आइन को डेफिनेटली लूज करेगा तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो क्लोराइड आइन है वो क्या चीज है कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ तो ये अपना जो है वो प्रोटोन सॉरी प्रोटोन गेन करेगी ठीक है और जो है वो वापस बना लेगी ये जो एसिड था हमारे पास तो हम देखते हैं कि ये क्या हुआ ये हमारे पास जो है वो कॉन्जुगेट बेस हुई किसकी एसिड की अब एसिड यहाँ पे क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हम लिख देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये आ गया कॉन्जुगेट बेस अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो क्लोराइड आयन जो है वो वापस क्या बना रहा है एसीएल ठीक है और जो हाइड्रोजम आयन है वो बना रहा है वाटर फिर हम मजीद यहाँ पे एक और चीज देखते हैं कि हम क्लियर कर लेते हैं ये बात कि अगर हमारे पास एक स्ट्रांग एसिड होगा ठीक है अगर यहाँ पे हमारे पास यानी रिएक्टेंट साइड पे स्ट्रोंग एसिड होगा तो वो क्या चीज बनाएगा वो एक वीक कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट के लिए सी एनजे लिखते हैं हम ठीक है लिख रहे हैं यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बना लेगा ठीक है इसकी वजह क्या है इसकी वजह यह है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो जो है वो कोशिश करेगा कि अपना लूज करे और वापस उसको गेन ना करे ठीक है तो वो जो है ये ये इस तरह से एक एसिड होगा और ये कोशिश करेगा अपना प्रोटॉन लूज कर दे फटाफट और क्लोराइड आयन बना ले अब ये क्लोराइड आयन जो है वो वीक बेस किस तरह होगी कि ये बहुत लेजी होगी ये लेजी होगी कि अपना जो है वो प्रोटॉन जो है वो गेन नहीं करेगी ठीक है इसलिए वीक कॉन्जुकेट बेस हुई ठीक है तो ये हमारे पास कंसेप्ट आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, बेस का स्ट्रॉ एसिड का और वीक कॉन्जुगेट बेस का और इसको अगर हम इस को देखें तो हम कहते हैं कॉन्जुगेट इसको हम कहते हैं एसिड ठीक है और हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस पेयर कहते हैं ठीक है ठीके? ये हमारे पास होता है एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस पेयर ठीक है तो ये हमारे पास कंसेप्ट था कॉन्जुगेट बेसिस का हमने देखे कॉन्जुगेट बेसिस क्या होते हैं